प्रदेश में बीएड और जेबीटी का जो झगड़ा है वो काफी ज्यादा चला हुआ है, और इसी बीएड और जेबीटी के झगड़े को देखते हुए केंद्र सरकार से अब एक और यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसमें आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश सहित जो तमाम सभी राज्यों में जहां पर बीएड का कोर्स होता है उसकी जगह पर अब नया कोर्स एनसीटीई ने लॉन्च किया है। अब इस नए कोर्स को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी और अब आने वाले समय में बीएड की जगह पर जो है वो नया कोर्स यहाँ पर शुरू किया जाएगा, और ये नया कोर्स आईटीईपी जो है वो इसके नाम से होगा। और इस कोर्स को लेकर जो है वो एनसीटीई ने मान्यता यहाँ पर दे दी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में शिक्षक स्तर पर सुधार करने के लिए सरकार ने ये बेहतर प्रयास किया है ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, और इसीलिए बीएड को बदलकर अब आईटीईपी स्टार्ट करने का जो एक संकेत यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। और एनसीटीई ने आईटीईपी के इस कोर्स को लॉन्च भी कर दिया है, और यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में टीचर लेवल पर सुधार करने के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में एक बार फिर से बदलाव करने के बारे में जो है वो सोचा गया है। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पूरे देश भर में अकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी को शुरू किया है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये एक बीएड की जगह पर होगा, इसे लॉन्च कर दिया है 2023-24 के लिए, जो कि यहाँ पर जो बैचलर डिग्री पहले बीएड की जाती थी टीजीटी के लिए, अब इसे आईटीईपी का नाम दे दिया गया है। और ये एनईपी 2020 के भीतर एनसीटीई का एक प्रमुख प्रोग्राम है जिसे अब एनसीटीई ने लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब जो कि अभी तक अभ्यर्थी बीएड करते थे अब उन्हें आईटीईपी का कोर्स जो है वो यहाँ पर करना होगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कब इसे लागू किया जाता है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन जो है वो हर राज्य को अडॉप्ट करनी पड़ती है, और अब एनसीटीई ने बीएड की जगह आईटीईपी को लॉन्च किया है, तो अब धीरे धीरे जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। और एक जो टीजीटी बनने के लिए टीचर बनने के लिए अभ्यर्थी बीएड करते थे उन्हें आईटीईपी का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर करना होगा, इसकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जो कहा गया है उसमें ये साफ किया गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अकेडमिक सेशन 2023 और 24 के लिए देश भर के 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एकीकृत शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम आईटीईपी शुरू किया है। और आईटीईपी बीए बीएड बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड की पेशकश करने वाले 4 साल की दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री है, यानी कि ये भी तमाम बैचलर डिग्री की तरह 4 साल की डिग्री होगी। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बताया गया है कि कोर्स में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा के जरिए जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अब जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बदलाव शुरू हो चुका है। ये पहला एक बदलाव है जो कि एनसीटीई की ओर से किया गया है कि अब जल्द बीएड की जगह पर हिमाचल प्रदेश और सभी राज्यों में आईटीईपी का जो एक नया कोर्स है वो अभ्यर्थियों से यहां पर करवाया जाएगा। तो एक ये बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी छात्रों के लिए थी। और इसके अलावा जेबीटी टीजीटी की जो नई भर्तियां होनी है इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रपोजल भेज दिया है, लेकिन वही बात है कि जब तक इस पर लोक सेवा आयोग की ओर से इन भर्तियों के प्रोसेस को शुरू नहीं किया जाता है तब तक ये भर्तियां केवल जो है वो फाइलों पर रहेगी, तब तक इसका प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा। और हालांकि यहां पर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे जेबीटी का जो झगड़ा चला है जिसमें कि जेबीटी के अभ्यर्थी आज भी सीएम से मिले, आज भी उन्होंने सीएम से ये डिमांड की कि जेबीटी भर्ती में बीएड को अभी फिलहाल पात्र ना माना जाए और उनके साथ जो है वो ना इंसाफी यहां पर ना की जाए। लेकिन अभी तक जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से इस पर डिप्टी डायरेक्टर्स को कोई ऑर्डर ऐसे जारी नहीं किए गए हैं कि आप बीएड को कंसीडर ना करें। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जो जेबीटी अभ्यर्थी है उन्होंने इस पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अब जो है वो अभ्यर्थियों ने ये फैसला लिया है कि अगर सरकार ने जल्द बीएड
को जेबीटी भर्ती से बाहर नहीं किया या जेबीटी भर्ती में बीएड को अपात्र नहीं किया, तो ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर से जेबीटी उग्र होंगे और सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा भी यहां पर खोल सकते हैं।